देश में वॉटर वेज भी बन रहा है। आज वॉटर वेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान हूं। 4-5 दशक तक, उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का, बात करने का अवसर मिला है और इसलिए भारत के हर भूभाग को, समाज की हर भावना से परिचित हूं। और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। सकारात्मकता उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता है, ये उसकी प्रकृति नहीं। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुशमिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है। मैं आज कहना चाहूंगा, जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे, उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया, आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज एचएल के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है, निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं भली भांति, समय सिद्ध कर रहा है जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फैल हुए हैं। वहां जाने के बाद भी फेल हुए और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ बन रख के आत्मचिंतन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं।